हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल ABCD वर्णमाला में। बच्चों, आज हम आपके लिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें जो नवोदय में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं नवोदय में, नवोदय BLM क्लास 6 के पेपर के लिए, तो उसी से संबंधित हम प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न हल करना शुरू करें। प्रश्न नंबर एक है 537010, 537010 और 531076, 573041, 573103। इन संख्याओं में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या हमें पहचाननी है। ठीक बच्चों, तो देखिए यहाँ जैसे हम देख लेते हैं, आपको जो संख्याएं हैं बड़ी कैसे पता चलेगी हमें, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे 537010, अब यहाँ पर देखिए इसमें हम इसको कर लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 537010 है। अब यहाँ पे जो लाख में जो संख्या है, अब चूंकि सभी में पांच ही है, तो इसके बाद आगे क्या क्या अलग अलग है उससे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 37,000 और बाकियों में कितना है, एक में 31,000 है, तो ये 31,000 कम हो जाएगा, ये 73,000 है, 73,000 ज़्यादा हो जाएगा, और फिर 73,103 है, तो 73,103 और 73,141, तो इनमें देखना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए 573,103 ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अब ये हमने ज्ञात कैसे किया, हमने सबसे पहले हमने देखा पाँच से तो शुरू ही हो रहे हैं, मतलब सभी में लाख तक है। पहले तो हमें देखना है कि सभी में लाख तक है कि हजार तक, 10,000 तक तो नहीं है, तो सभी में लाख तक है, तो 5,00,000 तो सभी में है, तो 5,00,000 तो सभी में है, तो उससे तो पता नहीं चल पाएगा। उसके बाद जो हज़ार में है, जैसे एक में है 37,000, हज़ार में 37 है, एक में 31 है और एक में 73 है और एक में इसमें भी 73 है। अब देखिए जब ये हज़ार में है जिसमें 37 है और 31 है, 73 तो इनमें से बड़ा है, 73 तो 73 वाले ही बड़ी होंगी। अगर छोटे पूछता तो फिर हम 31 में देखते, लेकिन जो अब 73 है तो 73 में बड़े होंगे। अब 73 में दोनों संख्याओं में देख लेते, 73,000 के बाद सैकड़े में इसमें जीरो है, सैकड़े में जीरो है, 0,41, तो यहाँ पे 103 है, तो ये 103 सबसे बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए 573,103 सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 573,103 ए, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटी से छोटी चार अंक की संख्या और बड़ी से बड़ी पांच अंक की संख्या का क्या अंतर है। तो यहाँ देखिए पूछ रहे हैं कि छोटी से छोटी चार अंक की संख्या और बड़ी से बड़ी पांच अंक की संख्या का अंतर क्या है। इसका मतलब ये है कि प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि चार अंक की सबसे छोटी संख्या और पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या के बीच कितना अंतर है। तो हम जानते हैं जैसे कि हल कैसे करेंगे कि चार अंक की सबसे छोटी संख्या, चार अंक की सबसे, इसका वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है तो उसको आप देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चार अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक के बाद 3 0, ये देखिए चार अंक की हो गई। और पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या, पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 5 बार 9, 1 2 3 4 5, 5 बार 9, तो ये हो गई पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या और ये हो गई चार अंक की सबसे छोटी संख्या। तो इन दोनों को घटा देंगे, तो घटाने से जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999,999, और इसमें घटाएंगे कैसे, 1,000 घटाएंगे। तो ये देखिए 1,000 इस तरह यहाँ एक अगले अंक से लिखेंगे, जैसे ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ठीक है। तो 9 में 0
सब्ट्रैक्ट होगा तो नौ ही आएंगे, नौ में शून्य घटा नौ, नौ में शून्य घटा फिर से नौ, फिर नौ में शून्य घटा नौ, फिर नौ में एक घटा आठ, और यहाँ नौ। तो ये उत्तर आ जाएगा 98,999। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अब वैल्यू कितनी है, 98,999। अगला क्वेश्चन है, छः अंक की छोटी से छोटी संख्या और चार अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच क्या अंतर है। अब देखिए, जो छः अंक की संख्या है वो बड़ी होगी, छः अंक की संख्या बड़ी होगी, तो छः अंक की छोटी से छोटी संख्या निकालने हैं, लेकिन ये चार अंक की संख्या से बड़ी होगी, इसलिए हम किस में घटाएंगे, छः अंक की संख्या में इसे घटाएंगे। तो जैसे हमने पिछला प्रश्न किया उसी तरह से हम देख लेते हैं कि छः अंक की छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक के बाद पाँच जीरो। ठीक है बच्चों, चार अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब सबसे बड़ी, चार अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, चार बार नौ। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इनके दोनों के बीच के अंतर को निकालना है, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ है 100,000, और 100,000 में हमें 9,999 घटाना है। ठीक है बच्चों, तो ये हम घटाएंगे, 10 में 9 गए तो 1, और ये 0, ये 0, ये 0, और ये 9। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 90,001 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 90,001। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।